नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल में शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मेरा नाम कृष्ण कुमार महतो, मैं उमा पब्लिक स्कूल चलाता हूं 2012 से। शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स और स्कूल के संचालक और पेरेंट्स और इन दोनों के मिलके व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से करके और चलाया जाए स्कूल को, तो बच्चों को में सुधार भी होगा और बच्चों को पेरेंट्स भी बहुत खुश रहेंगे और आगे मतलब कि बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए इसमें अगर तीनों सही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर गिरने के अगर ऐसा होता है तो उसमें दोषी इसमें तीनों इसमें पाए जाते हैं। गिरना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के जो समय है वो बहुत निगेटिव हो गया है, इसलिए क्लास 5th के बाद इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। और मैं तो अपने स्कूल में 2016 के बाद में जो लड़कियां जो नर्सरी से लेकर और 5th क्लास तक जो बच्ची को मैं एडमिशन में करता हूं, 50% उनका फीस लेस, जबकि नर्सरी के बहुत ही कम फीस है और उसमें भी आधा पैसा लेता हूं मैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने हिसाब से अपने एरिया को देखते हुए और इनसे पैसे असूल बहुत बहुत कम निजी मतलब कि बहुत कम, ताकि उनके स्थिति को देखते हुए हम उनसे फीस लेते हैं, जहां तक राहत हो वहां तक राहत देते हैं पेरेंट्स को। मैं तो इस वजह से लड़कियों हमारे यहां ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा दाखिला कराते हैं गवर्नमेंट स्कूल से नाम कटवा के और मेरे यहां दाखिला कराते हैं, चाहे वो 4th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 3rd क्लास में हो, नर्सरी LKG में हो, वहां से गवर्नमेंट से प्राइवेट से कटवा के यहां अपनी जो उमापुर स्कूल में मेरा ब्रांच 2 है, बहुत बेहतर तरीके से हम अपनी स्टाफ को भी कोऑपरेट रखते हैं करते हैं ताकि बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, यहाँ तक कि उनके फ़ोन भी मैं यहाँ पर अपने ऑफिस में जमा कराता हूँ ताकि फ़ोन में लगे न रहे, ताकि बच्चों पर विशेष ध्यान दें। खबरों में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।